स्टेटमेंट निकल गया है कि आईपीएल को उन्होंने अड़े हाथों लिया है। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बगाड़ती करने की आदत है, जिस तरह के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की या जिस तरह के जो घंटे हैं वो उन्होंने बगाड़तियां तो करनी करनी है। अब शायद अफरीदी ने टीवी चैनल के ऊपर बैठ के एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बात की है आईपीएल को लेके कि जी शाहीन अफरीदी को और बाबर आजम को क्यों नहीं बीसीसीआई जो है वो परमिशन देता आईपीएल में खेलने की। मतलब आसान लफ्ज में बताऊं तो शायद अफरीदी ने यही यकीन क्रिएट किया है कि क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है। साथ और साथ उन्होंने ये भी बात की है कि नारायण जैसे प्लेयर, रसल जैसे प्लेयर 6-6 करोड़ में बिक जाते हैं, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तो भाईजान 15-15 करोड़ में बिकने वाले हैं। हाँ जी ये तो भाईजान उनको तो सारी क्रिकेट आती है। जितना शाहीन अफरीदी को नहीं ना कोट पड़ी हुई 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली से, जितना बाबर आजम को और शदीप ने पहली बॉल पे आउट ना किया हुआ। और भाईजान बात वो किया करो जिस बात में लॉजिक बनता हो, जिस बात में थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि अक्ल पड़ रही हो। कि शाहीन अफरीदी का तो आपको पता है वो 16 साल से बड़े हुए ही नहीं आज तक। शाहिद अफरीदी का बेसिकली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि शाहिद अफरीदी आपको पता है कि छक्कू की मशीन थे, लेकिन शाहिद अफरीदी में भी अक्ल नाम की चीज बिल्कुल कोई नहीं पड़ी हुई। यार बात हो जाती है, अगर आपने अपनी पीएसएल की तारीफ करनी है तो करो, लेकिन साथ आईपीएल को क्यों बुरा बोल रहे हो? साथ ये भी बुरा बोल रहे हो जी आईपीएल में तो आपको पता है कि सिर्फ पैसों को फोकस दी जाती है, उधर जो है वो क्वालिटी इतनी खास कोई नहीं है, उधर ये चीजें तो कोई नहीं है, उधर वो चीजें तो कोई नहीं है। यार बात वो किया करो जिस बात में लॉजिक बनता हो। अब ये बात करने का कतुक था कि जी पीएसएल में जो है वो क्वालिटी क्रिकेट ज्यादा मिलती है आईपीएल से ज्यादा। एक मुझे बात बताना, 17-18 करोड़ में आईपीएल में प्लेयर बिकते हैं या पीएसएल में प्लेयर बिकते हैं? मुझे बात बता दो। और भाईजान पीएसएल में जितने पैसे मिलते हैं ना पूरी 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 पीएसएल में, इतने ज्यादा तो आईपीएल के अंपायर ले जाते हैं, इससे ज्यादा तो आईपीएल के अंपायर ले जाते हैं। तो इस बात में क्यों सी लाजिक है जी बाबर आजम शाहीन अफरीदी को आईपीएल खेलने की इजाजत दे दो और वो 15-15, 20-20 करोड़ में बिक जाएंगे? मतलब वो 15-15, 20-20 करोड़ में बिक जाएंगे? विराट कोहली तो क्रिकेट नहीं खेलनी आती, रोहित शर्मा को तो क्रिकेट नहीं खेलनी आती। बात वो करते जिस बात में लाजिक हो। कभी द्विवेदी में दाड़ उठ के आ रहा है वो बकवास कर आईपीएल को लेके, कभी रमीजा जब पैन पेश करा रहा है, कभी कोई पेश करा रहा है, कभी कोई करा रहा है, कभी कोई करा रहा है। अपने मुल्क की क्रिकेट बेहतर करने पे फोकस करो भाईजान। अपने मुल्क की क्रिकेट आपकी ये है कि आप जिम्बाब्वे से हार रहे हो, आप अफगानिस्तान से हार रहे हो, न्यूजीलैंड की एल टीम से आप हार रहे हो, बातें ठोक रहे हो। हमारे प्लेयरों को आईपीएल खेलने की इजाजत दी जाए, हमारे प्लेयरों को आईपीएल में खरीदा जाए। अगर आप आईपीएल में हमारे प्लेयरों को नहीं खरीदोगे तो आप अपनी आईपीएल का नुकसान कर रहे हो। हमारे प्लेयर दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। मैं मानता हूँ शाहीन अफरीदी बेस्ट बॉलर है, लेकिन शाहीन अफरीदी नहीं बॉल का अच्छा बॉलर है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि बाबर आजम T20 का प्लेयर है। मैं ये बात नहीं मानूंगा कि बाबर आजम आईपीएल में 15 करोड़ में बिकेगा। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो बाबर आजम आईपीएल में 15 करोड़ का बिकेगा? वो बंदा जो पीएसएल में 1-1.5 करोड़ का बिकता है, उससे बड़ा, उससे महंगा प्लेयर पीएसएल में अलग सेल्स बिका है, उससे महंगा ज्यादा पैसे तो अलग सेल्स ले गया जो है वो पीएसएल में। तो जिस बंदे को अपनी मुल्क की लीग में ज्यादा पैसे में नहीं खरीदा जाता, उसको किसी और लीग में हमें 15 करोड़ में खरीदा जाता। वो बाबर आजम जिसको 100 में पिक ही नहीं किया गया, 2 बार ड्राफ्ट में इग्नोर किया गया, 2022 में भी बाबर आजम को इग्नोर किया गया था, 2023 में बाबर आजम नहीं बिका, मोहम्मद रिजवान नहीं बिका। और भाईजान आपने क्या समझा हुआ कि जी आईपीएल हमें ही है, हमारे प्लेयरों को उठा लेगी, जो डिजर्व करते हैं उनको उठाएगी। शाहीन को आईपीएल में पिक किया जाएगा लेकिन 15 करोड़ की मैं गारंटी नहीं देता। हारिस राव को आईपीएल में लिया जाएगा, शदाब खान को आईपीएल में लिया जाएगा, तो बाबर आजम की मैं गारंटी नहीं देता। क्योंकि जिस टाइप की उसकी क्रिकेट है ना, जो केएल राहुल के साथ चल रहा है ना, वही बाबर आजम सेम वही चीज है। केएल राहुल ने कल 61 बॉलों पे 68 किए हैं, लखनऊ की टीम हार गई है, यही बाबर आजम इस तरह की इनिंग्स खेल के पहले पिशावर जलमी के सिरे चढ़ता रहा, पहले कराची किंग को हरवाता रहा, अब पिशावर जलमी को इस तरह की गंदी इनिंग्स खेल के हरवा रहा है। तो शायद अफरीदी साहब को मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ, बाबर आजम की पहले T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख लो, फिर कहना बाबर आजम को जी आईपीएल में क्यों नहीं खरीदा जाता। अगर आईपीएल में बाबर आजम होता तो आईपीएल क्रिकेट ज्यादा बेहतर हो जाती, बाबर आजम अब दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है जो है वो बाबर आजम उधर सब बॉलर्स को खेलता तो बॉलर्स को भी पता चलता। अच्छा शायद अफरीदी ने साथ ये बोला कि बाबर आजम अगर आईपीएल खेलता ना तो बॉलर्स को ज्यादा तैयारी के साथ आना पड़ना था, बॉलर्स को ज्यादा तैयारी के साथ आना पड़ना था, और अगर शाहीन अफरीदी आईपीएल खेलता तो बैट्समैनों को तैयारी के साथ आना पड़ना था। शाहीन अफरीदी ने तो बाबर आजम को 2-3 बार बोल्ड किया हुआ है पीएसएल में, क्या हुआ बाबर आजम को अगर पहली बॉल में शाहीन अफरीदी आउट कर दे तो क्या होता? और भाईजान बाबर आजम की तो हाबू में आज भी हरशदीप सिंह आता है, जो हरशदीप ने पीछे बॉल की थी 2022 के वर्ल्ड कप में, जो बाबर आजम को समझ ही नहीं गई कि बॉल गई की तरह, बॉल आई की तरह।
क्या किया हुआ बाबर आजम ने 2023 के वर्ल्ड कप, 2022 के वर्ल्ड कप में, 2022 की एशिया कप में क्या किया हुआ? पूरा T20 का टूर्नामेंट था ना, स्टैट निकाल के देख लो बाबर आजम के क्या चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट देख लो बाबर आजम का क्या चल रहा है, तुम्हारे तो छोटी मोटी टीमों के अलावा और चलता भी नहीं है। तो बात वो किया करो जिस बात में लॉजिक बनता हो। अब जॉस बटलर से आप बाबर आजम का कंपैरिजन T20 में करना शुरू कर दे भैया, तो बेतुकी सी बात है ना, जिस तरह वो किंग कोहली से घंटे का कंपैरिजन करते हो, ये इस बात का लॉजिक बनता है मुझे खुद ही बता दो। फिर कहते हो जी ये बाबर आजम के खिलाफ बकवास करता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। मैं रियलिटी बताने आता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं उठाऊ नहीं हूँ, मैं जो रियलिटी होगी ना वो चीज़ बताऊंगा। अब रियलिटी ये है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर आजम की कप्तानी का मसला है, बाबर आजम मैच विनिंग नॉक्स नहीं खेल पाता, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो ना। वो अपनी अपनी गेम बेहतर करे, अपनी गेम बेहतर करे ना, हम लोग बातें नहीं करेंगे। जब वो अपनी गेम इस तरह की कर लेगा तो हम बातें नहीं करेंगे। उसने जिताया था ना मैच 2022 वाला, और उसने इस तरह के सैकड़ों मैच जिताए हुए हैं। मुझे उसकी एक इनिंग भी, इसकी बड़े टूर्नामेंट की कोई एक इनिंग मुझे निकाल के दो। बात वो किया करो जिस बात में लॉजिक बनता हो, फजूल पैनपड़क इधर नहीं करनी, ठीक है ना। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी 50 के करवाएं, अपना बहुत अच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब।